कुछ नए अंदाज में नया तरीका से बना रहे हैं। इसको मिला के पहले अदरक लहसुन का पेस्ट मिला के कम से कम, और मनीषा भी बहुत बार अपने घर में ट्राई की है चाय वैसा में, बट होते ही नहीं। वो लोग से बोलते दीदी हम लोग से होते ही नहीं, पता नहीं आप क्या और चुपके से मिलाते क्या ऐड करते पता नहीं हम। तो हम विनीगर है, विनीगर थोड़ा ऐड कर देंगे, थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करेंगे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, गुड मॉर्निंग। आप सभी कब सब कैसे हो कमेंट करके बताइएगा। आई होप आप सब अच्छे हैं, बढ़िया स्वस्थ रहिए। और आज बहुत दिन के बाद हम किचन से ब्लॉग स्टार्ट किए, तो ये मेरा किचन। बहुत लोगों को मेरा किचन का ब्लॉग बहुत अच्छा लगता, मतलब खाना का रेसिपी बहुत लोग कमेंट करते, अभी भी मतलब कमेंट आते रहता कि दीदी रेसिपी डालिए ना, रेसिपी डालिए ना। तो रेसिपी क्या डालेंगे आप लोग कुछ बताएंगे तो ना डालेंगे रेसिपी, क्या चीज़ का रेसिपी रखो, मतलब आप लोग किस टाइप का चाहिए, नॉन वेज वेज क्या रेसिपी चाहिए आप लोग कमेंट करके बताओ, तो वो रेसिपी हम जरूर लेके आएंगे आप लोगों के लिए। और अभी किचन से ब्लॉग स्टार्ट किए हम, मॉर्निंग एडम में सुबह जल्दी उठ के फ्रेश फ्रेश हो गए, फ्रेश होने के बाद घर का भी सारा काम कंप्लीट हो गया। आज बहुत दिन के बाद पीहू का हम टेंट हाउस बनाए, वो ना इधर उधर खेलने के लिए भागती यार ना, उसको मतलब उसके साइज के बच्चे यहाँ पे मतलब नहीं है, सब बड़े बड़े हैं, उसकी दीदी के साइज के बच्चे सब है, तो उसको कोई खिलाता नहीं है। लोगों से अपने खेलती है तो इसको कोई खिलाता नहीं, तो हमको भी गुस्सा आता है कि मेरे बेटी को सब कोई खिलाता नहीं है। तो हम उसको बोले तुमको कुछ भी ज़रूरत पड़ेगा तो मेरे को बोलना, हम हर चीज़ तेरा ख्वाहिश पूरा करें, मतलब कुछ भी हो पूरा करेंगे हम, है पापा है ना, फिर तुमको क्या ज़रूरत है इधर उधर, जो कोई खिलाता नहीं है तो फिर क्यों जाती है। तो उसको फिर हम कितना समझाया तो फिर रो रही थी, मम्मा मेरे को कोई नहीं खिला रहा है। तो ठीक है, टेंट हाउस तुम्हारा रखा हुआ है, चलो टेंट हाउस बना देते हैं और अपना टेंट हाउस में खेलो। तो उसका टेंट हाउस हम सुबह ही बना दिए, लेकिन हम नहीं बनाए, ऊपर में जो रहते हैं ना एक है भाई बोलते हैं, तो उनको बुलाए थे वो और मेरा भाई, ये दोनों मिल के बनाया है। वो भी कितना मुश्किल टाइम लगा है बेटा, क्या हुआ? नहीं कॉकरोच नहीं आएंगे अब खेलिए। देखिए पीयू का टेंट हाउस बहुत पहले एक बार बनाए थे, बाबू ही बना दिए थे, तो उस टाइम बनाए थे भी तो बहुत टाइम लगा था, बहुत मुश्किल से बना था, इतना मतलब दो तीन बार तोड़ने के बाद बना था, बन नहीं रहा था। हाँ उसके बाद फिर आज नहीं भी तो तीन चार महीना के बाद बना रहा, तीन चार महीने से भी ज़्यादा ही हो रहा है, उतना दिन के बाद बना रहा है। तो अभी ला बना दिए हैं, उसका खिलौना सब भी अंदर दे दिए हैं, अपना खेलो अपना घर में रहो। और पीहू का बर्थडे अभी आ रहा है, तो कब है बर्थडे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसका बर्थडे में भी कुछ सोचे हैं, देखिए वो हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। तो अभी वो खेल रहे, खेलो, चाउमीन भी दे दिए अंदर बैठ के, चाउमीन खा लिया, देखिए चाउमीन निकाल दिए यहाँ पे देखो। अच्छा ठीक है, इतना खा ली ना बहुत, वो सब खेलो मारे रुको। और चावल चढ़ा दिए एक तरफ और एक तरफ दाल चढ़ा दिए हैं, चावल दाल बना रहे और चिकन पकौड़ा बना रहे। चिकन पकौड़ा आज कुछ नए अंदाज में नया तरीका से बना रहे हैं, तो कैसे बना रहे आप लोग मतलब ना स्किप किए पूरा ब्लॉग देखिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो चाउमीन भी रखा हुआ हम अभी तक नाश्ता नहीं किया, इतना जोर से भूख लग रहा है। और चाउमीन पता है कल का चाउमीन आप लोगों को दिखाते हैं, चाउमीन देखिए ये कल का चाउमीन है, बहुत ज़्यादा चाउमीन ना बन गया था और सबको खाए पेट भर के फिर भी बच गया था। तो अंडा कल मिलाया नहीं तो आज हम फिर भाई को बोल जाके तीन ठो अंडा वो लेके आया, उसके बाद तीनों अंडा इसमें ऐड कर दिए हैं और अच्छे से मिला दिए हैं, तो अंडा चाउमीन बन गया। तो ये वाला पीहू को थोड़ा सा दिए, वो खाई थोड़ा, इसी में हम ले लेंगे और बाकी नाश्ता करने के बाद उसके बाद यहाँ पर चिकन पकौड़ा से हम रेडी करेंगे। चिकन भी धोना है मेरे को, ऐसे हम सिर्फ पानी से धो के रखे, अभी अच्छा से धोए नहीं, सो चिकन को धोएंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर अदरक लहसुन प्याज मिर्चा सारा कुछ रखा हुआ है, अंडा भी एक है, तो सारा कुछ इसमें क्या क्या ऐड होगा आप लोगों को दिखाएंगे आज। कुछ नए तरीके से नए अंदाज से बनाएंगे चिकन पकौड़ा, दाल चावल और चिकन पकौड़ा जाएगा। दाल हो तो हो गया हमारा, यहाँ चावल चढ़ाए हैं, चावल चढ़ाए हैं, टाइम लगेगा, तब तक हम नाश्ता कर लेते हैं। आप लोग क्या ब्रेकफास्ट किए कमेंट करके बताओ, नाश्ता कर लेते हैं आप लोग क्या ब्रेकफास्ट किए कमेंट करके फटाफट बताओ। नाश्ता हो गया हमारा, अब हम आ गए किचन में, किचन में अभी दाल चावल मेरा बन गया है, बनाना है सिर्फ चिकन पकोड़ा। तो चिकन पकोड़ा कैसे बनाएंगे आप लोग बिना स्किप के अपने ब्लॉग में रहिएगा तो ये आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये रहा चिकन और यहाँ पे अदरक लहसुन और एक प्याज जो रखे थे यहाँ पे वो सारा पीस लिया, एक छोटा सा प्याज था और दो लहसुन था और दो छोटा छोटा अदरक था, लहसुन थोड़ा ज़्यादा ऐड किए हैं, तो सारा पीस लिए। पीसने के बाद इस चिकन भी अच्छे से हम धो लिए हैं, अब इसमें सारा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और एक अंडा है, एक अंडा भी फोड़ के ऐड कर देंगे। इसको मिला के पहले अदरक लहसुन का पेस्ट मिला के कम से कम 10-15 मिनट छोड़ देंगे।
अदरक लहसुन का पेस्ट मिला के रख दिए थे और एक अंडा, तीनों मिला के रख दिए थे और 15 मिनट से ज़्यादा ही हो रहा है, 15-20 मिनट 25 मिनट हो रहा है, मिला के रख दिए थे। अब मिल गया अच्छी तरह से। और इसमें अब ऐड करेंगे अपने स्वाद अनुसार, अपने हिसाब से नमक ऐड कीजिएगा। यहाँ पे रखा हुआ है आपका कॉर्नफ्लोर है और मैदा है, तो कॉर्नफ्लोर मैदा ही हम ऐड करेंगे। हम अधिकतर यही ऐड करते हैं, और बेसन रहने से बेसन भी ऐड कर सकते हो। तो आप लोग अभी सोचेंगे कॉर्नफ्लोर ऐड करें तो मैदा क्यों ऐड करें, तो हम मैदा और कॉर्नफ्लोर दोनों ही ऐड करते हैं। आप लोग भी ट्राई कीजिए एक बार, और बेसन होगा तो बेसन भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं। तो ये दोनों ऐड कर देते हैं, और नींबू नहीं, एक नींबू ऐड किया जाता है, आधा एक नींबू का आधा ऐड किया जाता है। अब इसमें ऐड होगा ये कॉर्नफ्लोर और ये है बेसन, बेसन नहीं सॉरी मैदा, कॉर्नफ्लोर मैदा ऐड होगा। आप लोगों ने अब सोच रहे हो कि मैदा और कॉर्नफ्लोर दोनों ही क्यों ऐड करी, तो हम दोनों ऐड करते हैं। आप लोग भी प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिएगा, दोनों ऐड करके देखिए। अगर हो सके तो बेसन अगर घर में है आपके पास तो बेसन भी ऐड कर सकते, तीनों ही ऐड कर सकते हैं एक साथ, कॉर्नफ्लोर मैदा और बेसन तीनों ऐड कर सकते। बट मेरे घर में बेसन नहीं है तो हम बेसन ऐड नहीं कर रहे, वो स्किप कर दिया। तो ये दोनों ऐड कर देते हैं, ज़्यादा हो जाएगा शायद मैदा। हाँ देर है बेटा, पीहू भी नहा ली है। ये दोनों ऐड कर दिए, और नींबू होगा तो एक नींबू निचोड़ दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा नींबू। और उसके बाद इसमें ऐड होगा ये गोलकी पाउडर, ठीक है। इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं, और एक कलर ऐड होता है, तो वो कलर तो आप लोग बहुत बार देख चुके हैं, ये कलर, तो ये कलर थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें, थोड़ा सा कलर भी ऐड कर दिया। अब इसको अच्छी तरह से पूरा मिला लेते हैं। हम जैसा सेब बनाते हैं ना सेम वैसा ना मेरे घर में सबको ट्राई करते बनाने, मतलब ट्राई करते हैं बनाने के लिए, और मनीषा भी बहुत बार अपने घर में ट्राई की है चाहे वैसा में, बट होते ही नहीं। वो लोग बोलते दीदी हम लोग से होते ही नहीं, पता नहीं आप क्या और चुपके से मिलाते हैं, क्या ऐड करते पता नहीं। हम कुछ अलग से ऐड नहीं करते, जो दिखाते हैं सेम वही सब ऐड करते हैं, और कुछ अलग से ऐड नहीं करते हैं। तो ये हम लोग को क्यों नहीं होता, आपका कितना अच्छा बनता है चिकन पकौड़ा। तो पूरी अच्छी तरह से इसको मिला लेते हैं, और यहाँ तेल भी हमारा गर्म होने आ गया है। नींबू है नहीं, नींबू ऐड करने से क्या होता है ना चिकन सब टूटेगा नहीं, गोटा गोटा चिकन रहता है नींबू ऐड करने से। अगर नींबू नहीं है आपके घर तो विनीगर भी ऐड कर सकते हो, तो हम विनीगर है विनीगर थोड़ा ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करेंगे। पूरी अच्छी तरह से मिल गया, देखिए मिला लिया, फटाफट यहाँ तक छानना स्टार्ट करते, तेल भी हमारा गर्म हो गया है। चिकन पकौड़ा इतना फ्राई हो गया, इसी तरह सारा चिकन फ्राई कर लेना। अभी इतना चढ़ाए हैं, फिर अभी ये भी होगा, उसके बाद फिर खाना निकालेंगे। क्योंकि दाल चावल हो गया है, पीहू को भी भूख लग गया, पीहू को भी खिला देंगे। और बाबू भी नाश्ता किए नहीं, उसको भी दे देंगे खाना, और यहाँ पे खाना निकाल के ही रखे हमने कहीं। क्या वो खाना खा के जस्ट अभी जा ही रहा था रेडी होने, फिर पीहू को भी रेडी करेंगे, बोले अपने भी रेडी हो जाएंगे। ए इसका अचानक से पूरा पैर दर्द करने लगा, पैर दर्द से रो रही है, क्या हो गया इतना कमजोर ना समझ में, क्या करें जो इसका समझ में नहीं आता। इतना खिलाते हैं, हर चीज खिलाते हैं, फिर भी इतनी कमजोर है, और अचानक से पूरा पैर दर्द करने लगा, रो रही है, और भी एक ही पैर दर्द कर दोनों पैर में, पता नहीं क्यों दर्द कर रहा है। तो हम इसको भी तुरंत सरसों तेल, फिर काला जीरा, लहसुन, ये सब ना हम मतलब फुटा के रखे रहते हैं, तो ख़त्म हो गया था, लड्डू भी रहता है ना तो उसको भी लगा देते हैं, तो ख़त्म हो गया था, तो फिर फटाफट लहसुन काला जीरा सब जलाए तेल में, और उसके बाद इसको लगा रहे हैं, और एक ही पैर दर्द कर रहा है, दोनों पैर दर्द नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया, इतना कमज़ोर हो गई है ना, इतना खिलाने का पर भी ये हाल है। और आप लोग बोलोगे कि क्या बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देती है, इतनी पतली है, खाना नहीं खिलाती, आप लोग बोलेंगे, लेकिन इसको सब चीज़ हम लोग खिलाते, फिर भी ऐसी है। मच्छू गर्म है, खेलेगी खाली दिन भर, तो इसको मालिश अभी कर रहे, थोड़ा सा देखते इसको आराम मिलेगा तो फिर हम लोग निकलेंगे। हम लोग कहाँ जाने वाले थे वो आप लोग को जो दिखाएंगे सोचे, और हम लोग भी अभी इसका
की मालिश खत्म होगा उसके बाद देखते हैं इसको अगर ठीक लगेगा तो चलेंगे। ठीक लग रहा है? नौटंकी वास्ते एक नंबर की है, नौटंकी में तो एक नंबर है। नहीं सच में दर्द कर रहा ना? अरे एक ही पैर दर्द कर रहा है, दोनों पैर नहीं। पता नहीं क्या हो गया तो समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। तो चलिए इसको मालिश वालिश कर लेते हैं, अगर इसको अच्छा लगेगा तो जाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे, और नहीं तो फिर देखते हैं कोई और दिन जाएंगे। तो चलिए ये ब्लॉग फिर यहाँ पे एंड करते हैं। ऊपर का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक से कमेंट कर दीजिएगा। अभी अच्छा लग रहा है, मालिश कर दे रहे ना तो उसको आराम मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। बहुत दिन हो गए इसको मालिश भी नहीं पड़ा, मालिश भी नहीं कर रहे थे। पहले ठंडा के टाइम में बीच बीच में मालिश हम बीच बीच में मतलब क्या करते रहते थे, अभी बहुत दिन हो गए इसको मालिश भी नहीं पड़ा ना। मालिश में तो कर बच्चे लोगों को मालिश वालिश करने से अच्छा होता है, और हम नहीं कर रहे थे, पता नहीं क्या हो गया। तो चलिए फिर ठीक लगेगा तो बोलना, ठीक है बेटा? अभी अच्छा लग रहा है, अभी और अच्छा लगेगा। तो चलिए ब्लॉग को फिर ये पैन करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिएगा, चैनल में जो नहीं हुआ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नए अच्छे ब्लॉग के साथ। बाय बाय, लव यू गाइस।